500 पेज की किताब को एआई के माध्यम से हम 50 पेज कर सकते थे, उसको हम समराइजर कहते थे। अभी वो चैट जीपीटी के नाम पे आ गया है, और आने वाले दिनों में एआई कहां तक किसी को ले जाएगा बहुत सामान्य लोगों को मालूम नहीं है, डोमेन एक्सपर्ट को मालूम है। अभी भारत सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक शिक्षा विभाग 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है एआई के, एग्रीकल्चर पे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हेल्थ केयर पे। उसमें मेटी हमारे साथ और बिगर पार्टनरशिप में आ गया, हम दोनों मिलके ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश की जितना चैलेंज है 100 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनानी पड़ेगी। इस बार बजट में 1,00,000 करोड़ रुपया की एक 50 ईयर्स लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट फ्री की कल्पना की गई है। तो आने वाले 25, 30, 50 साल में दुनिया में क्या होगा उसकी अध्ययन करना, उसकी डिकोडिंग करना, उसकी डिजाइन करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये दूसरे किसी के काम नहीं, आप लोगों की काम है। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं करेगा, उसकी बेसिक जर्मिनेशन। इसीलिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से लेके इस अपार तक ये सारे को। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।